देखो सब वाइट वाइट हो गया। आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोकेशन है माता के मंदिर के पास, काली माँ टिब्बा मंदिर। और हमारा सेटअप है ऐसा जो कि है रोड के पास। और ये चलिए तैयारी सेटअप करने की। बहुत अच्छा व्यू है और इसी व्यू में बहुत अच्छा खाना बन रहा है। अपना पोर्टेबल सेटअप है, फर्स्ट टाइम आउटडोर कुकिंग। थोड़ा सा आउटडोर कुकिंग महंगी पड़ सकती है, बादल जो गरज रहे हैं ना, देखो भाई देखो ये बरस भी सकते हैं। काले बादल आ गए एकदम से, अब थोड़ी देर पहले पूरी रोशनी थी। अभी छोक चल रहा है किसका, टमाटर वगैरह का ना, टमाटर वगैरह का छोक है भाई। उसके बाद में ये देखो हमारा भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये। और भाई इतनी कोई अभी हमें मशक्कत नहीं हुई। हमने जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, एक ही सिलेंडर लिया था 5 kg वाला, एक ही रेगुलेटर था इसका और ये पाइप, और वो असेंबल होने के बाद में बस अब हमारी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। हमारी कुकर की सीटी भी आ गई उधर, अभी चलते हैं कुकर भी देखेंगे। हमारा खाना रेडी हो गया होगा, पहले व्यू तो देख लें। व्यू के चक्कर में खाना रह जाएगा। चलो खाना देख लो भाई, बन गए हमारे। अब हम कर रहे हैं गैस बंद। इसकी रेडी है, प्लेट लगानी है। और स्टोव पे क्या है, उस पे पानी गर्म हो रहा है, पानी बोतल में रख लेंगे ना गर्म करके, बच्चों के लिए चाहिए होता है। और ये बच्चे कहाँ बिजी हैं, ये तो बॉक्स में घुस गई, कभी भी घुस सकती है इसके अंदर ये। और ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा चम्मच लगा रहा है, सबकी प्लेट लगा के देगा ना सबको। अच्छा ओके ठीक है, कुशन चाहिए था उसे ईवा को लिटा देती मैं इधर। अच्छा ठीक है दे रहा हूँ। चलो चलो बैठो बैठो बैठो, मम्मी में करी उधर चल, थोड़ा सा रिलैक्स फील होएगा। खाना रेडी, खाना रेडी, प्लेट्स लगेंगी, खाना खाएंगे। चलो ओके करते खाना। बादल ना बिल्कुल यहीं तक पहुंच गए हैं, काले काले बादल। मेरे को तो ये हो रहा है बस बारिश ना आ जाए, बाकी वैसे खाना हमारा रेडी हो गया है। पानी खा गई शायद, मेरे कंधे पे पड़ी हुई है। हाँ अरे बादल यहीं आ गए ना बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ फटाफट कर लो। सुन तूने इसको कर लिया, गाड़ी में दिक्कत आ गई ना, ज्यादा गाड़ी में ले लेंगे। उसको डिसमेंटल कर दो इसको, गैस और चूल्हे को। हाँ, है हाँ, ले भाई सुन अभी यही दे दे। एक बर्तन और रह गया भाई पानी का, गरम पानी का ला भाई ला। पानी किस में डालना है वो दे, यार बड़ी बोतल दे दो। ये देखो भाई क्या मोटे मोटे ओले पड़ रहे हैं, पूरे तगड़े तगड़े, यहीं तक आ गई पानी। उसको उठा, ढक्कन को उठा, वो उठा लूंगा मैं, तू पानी डाल लेगा उसमें रख, पीछे में तो गिरेगा वो। अच्छा होता आज तो ऐसे फंसे हैं, सही सही रहा भाई। भाई हमने सही टाइम पे निपटा दिया, कितनी बड़ी बात है। खाना बन गया सही टाइम पे, चल उसको कर ले, उसको लिया बर्तन को उठा के जल्दी लिया, उसको मत रखिए इस फट्टे पर रख ले। गर्म पानी है डाल दे, डाल दे। कुत्ता कहाँ से आ गया, वो ना गिर जाए, ठीक है ध्यान रखियो। अच्छी मुसीबत आई, आप मौसम देखो कितना खराब हो गया है। और खाना कह रहा बना के रख तो लिया है, अभी गर्म है बर्तन। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जगह नहीं है गाड़ी की निकलने, अगर दो बड़ी गाड़ी आ गई ना फंस जाएगी भाई साहब, फिर नहीं निकलना। और चढ़ाई ऐसी है कि दूसरे गियर तो लगता ही नहीं है। भाई हमारे बहुत तगड़े बने हैं भाई, मजा आ रहा है बिल्कुल। और ये तो खोड़े, और अगर ना समझ में आ रही हो तो देखो, देखो हाँ भाई हमारे बस की नहीं है वैसे, पर बड़े खतरनाक है। सब खाना खाने बन के खा लो भाई, अभी खाना खा ले। देखो भाई
बर्फ जम गई, बर्फ। ये देखो बर्फ थोड़े इतने इकट्ठे हो गए, और थोड़ा सा व्यू देखो, थोड़ा सा ही बस देखो, सामने दिख रहा है पूरा सफेद है, पूरा सफेद। इतने ओले पड़ गए ना, हद से ज्यादा ओले पड़ गए हैं। देखते हैं भाई, और आप देखोगे ना इधर, ये देखो सब वाइट वाइट हो गया, पूरा वाइट है भाई, पूरा वाइट है। यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, नीचे नीचे जाते जा रहे हैं, थोड़ा सा कम हो रहा है। अगर आप देखोगे तो हीटर हमने फुल चला रखा है, हीटर फुल है, और हम बस आओ इसका स्नो फॉल होना है, कल स्नो फॉल है मैं पक्का। यार वो गरम कपड़े जो लेके आए वो वसूल तो होंगे पहनने, और क्या, और नई गाड़ी की वो चेन खरीद लेंगे लोहे की। हम तो सुबह देखो भाई बर्फ, ये देखो भाई साहब फुल लोडेड है गाड़ी। फिलहाल कल टेम्परेचर है वो 5 डिग्री हो चुका है, हम अभी भी ऐसे चप्पल में घूम रहे हैं, उन्हीं कपड़ों